माघ भैया के शासन में ब्लू टिक बिक रहे राशन में, चौक पे भिखारी चौराहे पे ठुल्ला, ब्लू टिक बिक रहा खुल्ला खुल्ला। ये बात सच है दोस्तों, आज की तारीख में हर एक इंसान के पास ब्लू टिक है, क्योंकि ब्लू टिक बिकने लगे हैं, हर बंदा ब्लू टिक लगा के घूम रहा है भारतीय। और इसीलिए ये देखिए, माथे पे ब्लू टिक लगा के घूम रही हूँ, क्योंकि मैं आप सबको बताने वाली हूँ दोस्तों कि ये जो ब्लू टिक है ना, ये 699 रुपीस वाला नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई का ब्लू टिक है, इसीलिए माथे पे लगा के घूम रही हूँ। अरे मेहनत से कमाओ, फिर गर्व से माथे पे लगा के घूमो, कोई नहीं कहेगा पैसे से खरीदा हुआ है, मेहनत का है, मेहनत का यार। मेहनत के ब्लू टिक और 699 वाले ब्लू टिक में कोई तो फर्क रखो यार, उनको लाइट ब्लू दे दो, हमको डार्क ब्लू दे दो, उनको पर्पल दे दो, हमको ब्लू दे दो, यार व्हाइट दे दो, या कोई और कलर दे दो यार भारती, मेरे को कुछ भी कलर दे दो। ये लग ही नहीं रहा ब्लू टिक खरीद रहा है, ऐसे लग रहा कच्चा खरीद रहा है। कच्चा थोड़ी है कि आपको लाइट कलर दे दो, उसको व्हाइट दे दो, मेरे को क्रीम दे दो। चलो भारती, आज की तारीख में ब्लू टिक नहीं रहा, ब्लू चीटा हो गया है, कहीं भी पड़ रहा है यार। और जितने टाइम में ब्लू टिक बोलते हैं ना, उतने टाइम में तो 10-12 हज़ार लोगों को ब्लू टिक बेच भी चुके होंगे, 20 तक हो गया होगा। हाय भगवान का दिया सब कुछ है, अरे ब्लू टिक ले लो। पता है भारती, अमित जी को 10 साल लग गए टीका बेचने में। टीका लगाइए, टीका लगाइए, टीका लगाइए, और इधर इस आदमी ने 699 में आधे हिंदुस्तान को टीका लगा दिया। टक 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 टक। सच में यार हर्ष, तेरे को पता नहीं मैं कितना दुखी हो गई हूँ। मेरे ड्राइवर की बात सुनी तूने? क्या कह रहा था मुझे? क्या कह रहा था? मैडम पगार को लेकर आपसे बात करनी थी। दादा 2 महीने पहले बढ़ाई थी ना पगार मैंने। हाँ मैडम, लेकिन खर्चा कहाँ चलता है उसमें? 15,000 पगार मिलती है, 5,000 अपने घर में भेज देते हैं, 4,000 का राशन पानी, घर का किराया भी कटता है, और अभी तो 699 रुपीस हर महीने रेंट भी तो जाने लगा। ये किस चीज का रेंट है भाई? वो इंस्टाग्राम में ब्लू टिक लिया ना। अच्छा क्या यार, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ये एलोन मस्क है ना, जो मेरा दिल कर रहा है यहाँ उठा के ना गुद्दी पे एक मारूं। ट्विटर खरीद लिया, अब ब्लू टिक बेच रहे हैं। This is business. Seriously यार, तुझे पता है भारती, बीच में ट्विटर से बहुत लोगों का ब्लू टिक गायब हो गया था, तुझे तो पता ही होगा, तेरा भी गया था। गजब बेइज्जती है, सभी लोगों के ब्लू टिक चले गए थे, अमित जी, शाहरुख खान सबके, लेकिन मोदी जी और योगी जी का ब्लू टिक तभी भी वहां था। इज्जत तो वो भी करते हैं बहुत। लेकिन एक बात बोलूं मैं, मेरे को लगता है ये शहर वाले जो लोग होते हैं ना, ये उनके चोचले, गांव वालों को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, उनको क्या मतलब लेना देना ये ब्लू टिक ब्लू टिक क्या है, उनको तो लेना देना है भैया, हमने जो गोबर का उपला बनाया इसको कोई छूना नहीं चाहिए, वरना काट के रख देंगे, ब्लू टिक नहीं काला वाला टिक। और इसीलिए आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस ब्लू टिक को लेके आप जमीन से इतना ऊपर उछलते रहते हो ना, उसकी गांव में कीमत ही नहीं है। बना दियो। आइए आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कसडोल में ब्लू टिक को लेके गांव वालों के क्या रिएक्शन है। इंस्टाग्राम में 699 रुपए में जो ब्लू टिक मिल रहा है, क्या आप उसको खरीदना चाहोगे? नहीं नहीं, उसे मैं नहीं खरीदूंगा। खरीद तो नहीं भाई, लेकिन वो मोर का फायदा, ये वाला छोड़, नेपाल पान ले जाना है, बता नेपाल में ऐसा क्या है? वैसा वैसे बादल बरसा सावन का पानी, 699 रुपए में इंस्टाग्राम में ब्लू टिक मिल रहा है, उसका क्या कहना है पर? कुछ तो कहो। क्या बात है यार भारती, हम लोग को भी ना गांव में रहना चाहिए यार, गांव वाले कितने सिंपल है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्लू टिक है या नहीं है, कोई इंस्टा पे नहीं है, कोई लाइक्स का झगड़ा नहीं, कोई कमेंट्स का झगड़ा नहीं। गांव में बीवियां अपने पतियों को नहीं बोलती है कि तुमने नौरा की फोटो लाइक क्यों की, या तुमने इस लड़की की फोटो पे कमेंट क्यों किया, है ना, ये सब शहरों की औरतों का चोचले है। सही कहा, लेकिन एक बात बोलूं हर्ष, हम गांव में जाके नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी को ना बचपन से पोल्यूशन की आदत पड़ गई है, अब अचानक से हम कहीं फ्रेश एयर में गए ना, तो हम दोनों को अस्थमा होने का पूरा पूरा चांसेस है। तो चलिए दोस्तों, ये था हम दोनों का ब्लू टिक को लेके नजरिया, बाकी और भी बड़े नजरिए हम धीरे धीरे बताते रहेंगे, तब तक आप भारती टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर सकते हैं, और शेयर करने वाले वीडियो है, और कमेंट में हमें बताइए जरूर कि हमको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए, हम हर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे।
Yes, आप कमेंट्स करिए किस किस टॉपिक पे बनाना है, हम देखेंगे, वरना हमारे तैयार है टॉपिक, हमने कर लेने शूट। क्या करती है यार,